तो फाइनली दोस्तों YouTube ला चुका है कॉपीराइट क्लेम को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट, और इस अपडेट को जानने के बाद जितने भी यूट्यूबर्स हैं भाई वो खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि ये जो कॉपीराइट क्लेम का अपडेट आया है ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर और आप भी जानना चाहते हो कि भाई यूट्यूब ने कॉपीराइट क्लेम को लेकर कौन सा अपडेट किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो चलिए अब ज्यादा देर न लगाते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कि क्या करते हैं, अगर अपना वीडियो शूट करते हैं तो उनकी वीडियो में भाई अगल बगल में कहीं म्यूजिक बज रहा होता है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, जिस रीजन से उनकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और दोस्तों पहले क्या था कि अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता था तो आपके पास भाई तीन ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप भाई उसको ऐसे ही छोड़ दो, उस वीडियो से आपका जितना भी अर्निंग होगा वो कंपनी ले जाएगी जिसने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि भाई आप उसको ट्रिम कर सकते थे, मतलब कि आपकी वीडियो में जहां से जहां तक कॉपीराइट क्लेम आया है उसको आप ट्रिम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से क्या होता था, आपकी वीडियो खराब हो जाती थी। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये था कि आपकी वीडियो में जहां से जहां तक कॉपीराइट क्लेम मिला है आप उसको म्यूट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इससे क्या होता था, अगर आप म्यूट करते थे तो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ आपका वॉइस भी म्यूट हो जाता था, इससे भी आपकी वीडियो खराब हो जाती थी, जिसको देखते हुए YouTube ने कॉपीराइट क्लेम को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, अगर अब आपकी वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम आता भी है तो भाई आपको अपना वीडियो ट्रिम भी नहीं करना पड़ेगा और म्यूट भी नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्ट आपकी वीडियो में जिस म्यूजिक पर कॉपीराइट क्लेम मिला है उसे आप इरेज कर पाएंगे। और ये कैसे, तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना होगा, उसके बाद आपके जिस वीडियो पे भी कॉपीराइट क्लेम मिला है उसको ओपन करना होगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे एक एक्शन का बटन मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इरेज सॉन्ग का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला होगा इरेज सॉन्ग का और दूसरा होगा म्यूट ऑल सॉन्ग का। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इरेज सॉन्ग का, दोस्तों इसी से आप अपनी वीडियो में बिना ट्रिम या फिर बिना म्यूट किए ही आसानी से अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ आपका भी वॉइस म्यूट हो जाए तो इसके लिए म्यूट ऑल सॉन्ग्स पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही वो कॉपीराइट क्लेम का अपडेट है जो कि YouTube ने किया है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट ओनली बीटा यूजर्स के लिए है, तो इसलिए अगर आप भी बीटा यूजर होंगे तो आपको भी अपडेट मिल चुका होगा, लेकिन अगर आप बीटा यूजर नहीं है तो भाई वेट कीजिए, आपको भी कुछ दिनों के बाद ये अपडेट मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के स्टोरी में इतना ही था, यूट्यूब ने यही कॉपीराइट क्लेम को लेकर अपडेट किया था जो कि मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि भाई ये अपडेट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूट्यूबर्स के लिए। वैसे दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।